لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. مظاهر جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين: إن للعباس منزلة يوم القيامة يغبط بها جميع الشهداء. صلى الله عليه وسلم. आप हजरात की कोशिशों को कबूल फरमाएं। सही मानों में इंशाअल्लाह आज़ादारान हुसैन में अल्लाह हमारे नामों को सब फरमाए। कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ जनाब अब्बास के फजाइल भी पढ़ दीजिए। बात अच्छी लगी। चुनांचे पहले दिन में तो वक्त भी कम था, कोशिश की। बहरहाल कहाँ वो ज़ात, कहाँ हम जैसे तालिबे इल्म। जिस हदीस को इनवान कलाम करार दिया है, इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना लिल अब्बास मंजिलतन यौमल क़ियामा यग़बितु बिहा जमीउश शुहदा। क़ियामत में अब्बास का वो मर्तबा होगा को जिसको देख के यग़बितु बिहा जमीउश शुहदा सारे शुहदा रिब्ता करेंगे। इस हदीस को वाकई समझने के लिए पहले इन दो लफ्जों पर आप गौर कर लीजिए। दो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, आप बुजुर्गों के लिए नहीं है, बुजुर्ग तो बहरहाल जानते ही हैं माशाल्लाह। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ यग़बितु रिद्दा और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शुहदा। तो थोड़ी देर लिप्ता और शहीद पर गुफ्तगू हो जाए तब इस हदीस का सही मतलब निकल के आएगा कि हजरत का मर्तबा क्या है, आका की हैसियत क्या है। शरीयत में इस्लाम में दो चीजें हैं, एक का नाम है रिद्दा और एक का नाम है हसद। एक का नाम है रिद्दा और एक का नाम है हसद। हसद किसे कहते हैं और रिद्दा किसे कहते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है? कहते हैं हसद, कहते हैं अरे ये हमारे सामने का लड़का और ये इतनी तरक्की कर गया है तो न सही कि इसको खींच के अपने बराबर कर ले। तो हसद किसे कहते हैं? किसी की तरक्की को देख करके उसको नीचा करके अपने बराबर या अपने से नीचे करना। रिप्ता क्या है? इसी का उल्टा है। अरे वाह, ये वहां पहुंच गया, हम भी कोशिश करते हैं उठ के वहां तक पहुंच जाए। तो रिप्ता किसे कहते हैं? कि किसी की तरक्की को देख करके बजाय इसके कि उसकी तनज़ुली का शौक पैदा हो, अपने को उठा के उसके बराबर पहुंचाना। तो रिप्ता अच्छी चीज है, हसद बुरी चीज। इसी हसद को हमारी उर्दू जबान में क्या कहते हैं? जलन। चुनांचे इसके लिए रिवायतों में है अल हसूदो ला यसूद, हासिद को कभी नफा
नहीं हो सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। चुनांचे मरहूम है शहीद मताहरी रहमतुल्लाह अलैह के किताब है हिकायत हा व हिदायत हा, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी अजीब दास्तान लिखी है। कह लगे एक आदमी था, वो गया गुलामों के बाजार से, मेरे के इमाम ने क्या फरमाया, अल हसूदो ला यसूद, हासिद को कभी मनफा नहीं हो सकता। हमको हुक्म भी दिया गया कि दुआ करो कि पालने वाले हमको हासिद ना बनाना, लोग हमसे हसद करें हम किसी से हसद न करें, हमको महसूद बनाना हासिल न बनाना। चुनांचे वो कहते हैं कि एक शख्स गया बाजार गुलामों, वहां से एक गुलाम लड़का खरीद लाया और उसको उसने पालना शुरू किया। जब वो जवाने राना हो गया तो एक दिन उसके मालिक ने गुलाम को बुलाया, तुम मेरे गुलाम हो जी, मैंने तुमको खरीदा जी, लेकिन मैंने तुमको कभी गुलाम समझा नहीं, औलाद की तरह तुमको पाला जी हाँ, जानते हो मैंने तुम्हारे ऊपर ये इतनी नवाजिशें क्यों की हैं, फरमाइए का एक खास मकसद के तहत, ये बताओ क्या तुम मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करोगे। उन्होंने कहा आप मेरे वली नेमत, आपने पाला है पोसा है बड़ा कि आप जो कही कहना वायदा करो। उसने कहा वादा पक्का काम आ जाओ, काम यह है कि मेरा पड़ोसी है इसकी छत पे मुझको ले चलो, मुझको सभा करो, मेरा कत्ल कर दो और ये मेरे जो सामान है मालो जर है इसको लो और फरार कर जाओ। भाई आप अपना देखिए हसद आदमी को कहां ले जाती है, आप अपना कत्ल करवाना चाहते, ये कैसे मुमकिन है कि जिस आदमी ने मुझको पाला जिस आदमी ने मेरी परवरिश की मैं उसका कत्ल वादा कर चुके हो। अब ऐसा भी क्या वादा होता है, मैं वादा कर चुके हो, लड़का बताई उसके जहन में है कि मैं ये खुद ही मरना चाहते हैं और उल्टा अपना सारा माल और दौलत भी हमको, तो तुम क्यों बेवकूफी करोगे, ठीक है साहब तैयार है, ये सारा जेवर सोना चांदी जवाहरात इन्होंने थैली में रखी लेके उस पड़ोसी की छत पे गए। मुझे आखिर ये बताइए कि दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जो खुद से कत्ल होना चाहता, क्यों आप कत्ल होना चाहते। उसने कहा देखो इसमें चक्कर क्या है कि हमने और इसने बिजनेस एक साथ शुरू किया, हमने और इसने जो है वो तिजारत एक साथ शुरू की, मगर मैं जितनी मेहनत करता गया उतना डाउनफॉल होता गया। ये मिट्टी में भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाती है, मैं भी हाथ लगाता हूं तो मैंने बहुत कोशिश की इसको जलील करने की, इसको डाउन करने की, इसको गिराने की, लेकिन जितनी मैं कोशिश करता गया होता ही है अब मुझसे इसकी तरक्की देखी नहीं जाती। अब देखा हसद इंसान को कहां ले जा सकता है, सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले वहां अब मुझसे इसकी तरक्की देखी नहीं जा सकती। मेरा अपना ख्याल यह है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं जब इसकी छत पर मेरी लाश मिलेगी पड़ोसियों को महल्ले वालों को पुलिस वालों को भी मेरे इसके ताल्लुकात का पता है, जब इसकी छत पर मेरी लाश मिलेगी तो लोगों को यकीन करने में वक्त नहीं लगेगा कि इसी ने इसका कत्ल किया होगा, लाश ठिकाने नहीं लगा सका। लड़का तैयार होकर आया, उसने उसको जबा किया, उसका सारा माल उजर लिया और लेके हदीस है मेरे हासिल कभी कामयाब नहीं होता चला गया। अब सुबह हुई तो छत पर ताजिर के उस दूसरे ताजिर की लाश मिली, जो उसका एहसास तो वही हुआ इसके ताल्लुकात बहुत पुराने खराब है इसके और इसी ने इसको मारा होगा, लाश ठिकाने नहीं लगा सका कि उजाला हो गया, ये बेचारा बेखता बेजुर्म कैद। उसका ही मकसद यही था कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं कम से कम मेरे कत्ल में फंस गई है बर्बाद तो हो जाएगा, मुकदमा चलने लगा। कब अल्लाह किसका दिल बदल दे इसकी कोई गारंटी नहीं। लड़का चला तो गया मालूम कर लेकर के, अचानक उसको ख्याल हुआ कि एक का तो तुमने कत्ल किया ही है, एक बेचारा बिना वजह कत्ल के इल्जाम में फंस के उसको फांसी हो जाएगी, तो एक तो तुमने बचपना कर ही दिया लेकिन अब कम से कम दूसरे को तो बचा सकते हो करार करके, आगे अल्लाह की मर्जी है क्या सजा दे। वो इधर जज साहब फैसला लिखने के मूड में कि अचानक इलाका अदालत में हाजिर हुआ, हुजूर कातिल ये नहीं है कातिल मैं हूं, सलमान पहिए मोहम्मद वाले
जिसकी छत पर लाश मिली है। सारे महल्ले वाले गवाही दे रहे हैं। तुम आके अचानक कह रहे हो कि साहब मैंने कत्ल किया। उसने कहा पूरा किस्सा ये है, पूरी दास्तान उसने सुना दी। इस तरह उसको खरीदा और ये किया। तब लोगों को भी याद आया कि हाँ ये तो था उसका गुलाम, और ये जब से कत्ल हुआ तब से ये गायब भी है। हो सकता है जब इसने इकरार कर लिया, काजी को भी यकीन हो गया कि वाकई यही लड़का कातिल है, तो अब जज ने फैसला लिखा पहले तो इस लड़के के सिलसिले में कि चूंकि इसने एक कत्ल किया है, अब फैसला सही गलत हो जाए साक्षात, चूंकि इसने एक कत्ल किया है लिहाजा ये फांसी का हकदार है, लेकिन अगर आके इकरार न करता तो एक बेगुनाह को फांसी हो जाती। तो अगर इसने एक को कत्ल किया है तो एक को बचाया भी है, लिहाजा इसको भी मैं बाइज्जत बरी करता हूं, और जिस पर पहले से ताजिल मुकदमा चल रहा है वो तो बरी होना ही होना है, इसलिए कि इसने आगे इकरार कर लिया है। चुनांचे जान इन्होंने क्यों दी थी कि मैं कत्ल हो जाऊं, मेरे कत्ल के इल्जाम में फंस के ये बर्बाद होगा, फांसी होगी। अपनी जान तो हसद में दे दी, लेकिन न ताजे का कुछ बिगड़ा ना इसका कुछ बिगड़ा। अब आपकी समझ में हदीस आई कि अल्लाह कभी हासिदों को नफा नहीं होने देता। अल हसूद व ला यसूद, तो हसद इसको कहते। उसके मुकाबले में दूसरा जुमला क्या था, खिता। खिता किसे कहते हैं कि इंसान किसी की तरक्की देख के बजाय इसके के चले, बल्कि खुद तरक्की करके उसके बराबर पहुंच जाए। शरीयत ने हसद को मना किया है, लेकिन शरीयत ने खिता को मना। तो आप मेरे बच्चे बाकायदा समझ गए ना कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन खिता एंड हसद। हसद बुरी चीज है, किसी को नफा नहीं हो सकता, लेकिन खिता अच्छी चीज है, गिप्ते को मना नहीं किया गया। एक जुमला हो गया। दूसरा फिता क्या है उस हदीस में था, शोहदा। शोहदा जमा है काय की, शहीद की। शहीद किसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में, शहीद का मर्तबा सारी कायनात में नबी और आले नबी के बाद किसका मर्तबा है, शहीद का। क्यों कहा, इसलिए कुरान में दो आयतें शहीद के लिए खास कर कही है। एक जगह इशारा होता है वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون। देखो वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, ये जिंदा है अपने अल्लाह की राह में, अपने अल्लाह के पास रोजी पाते। दूसरी आयत में क्या है, वला तकूलू लमन युक्तल फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, उनकी हयात को तुम समझ नहीं सकते हो। तो एक आयत में क्या कहा गया है, इन्हें मुर्दा न समझो। दूसरी आयत में क्या कहा गया है, इन्हें मुर्दा न कहो। तो शहीद का मर्तबा यह है कि जिसके लिए न मुर्दा कहा जा सकता है, न दिल में ख्याल आ सकता है कि ये मुर्दा है। अब आपने पहचाना मुर्दे की। एक शख्स आया मौला अली की बारगाह में, सलमान पहिए मोहम्मद वाले, मौला ये बताइए कि शहीद से हिसाब किताब क्यों नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी शहीद उसका हिसाब किताब नहीं होना है। देखिए कपड़े से बड़ा असर पड़ता है, कपड़े से बड़ा। एक आदमी पुरानी कला पहने हैं, फटा पुराना अपना, उसके पास मामा है, जा रहा चला जा रहा है, लेकिन अभी बस ये सर कपड़ा बदलवा दीजिए आप, नई कबा हो, नया कुर्ता हो, नया पैजामा हो, नई जूती हो, नया मामा हो, अब जो मौलाना चलेंगे तो देखिए तब्दीली आएगी नहीं आएगी। ईद का दिन था या फर्ज कीजिए जुमे का दिन था, अब मौलाना बेचारे को नया जोड़ा नया कपड़ा सब सिला दिया गया, अब ये चले तो अपने होशी में नहीं है, इत्तेफाक से टकरा गए कहीं, अब जो टकराए तो फट गया, यहाँ जरा सा खून रिसना शुरू हो गया, इनको पता ही नहीं। नमाज हो गई, उस दिन वाली बात याद है ना कि नमाज जुमा में खुतबा बाद में होता है, ईदैन में अभी परसों का वाक गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाले, नमाज पहले होती है,
ज्यादा पब्लिक को पता ही नहीं चला कि वसी हसन के पैर में पैजामे में खून लगा है, क्या लगा, नमाज हो गई। नमाज के बाद जब खुतबे के लिए खड़े हुए तो ये खुद तो नहीं देख पाए, लेकिन सारी पब्लिक देख रही है। और अब सबने जो है चीमे बोले, हमें यार ये खून लगा है, नमाज कैसे हुई, सही हुई, नहीं हुई, क्या हुआ। मैं अभी तो कोई, जब नमाज खत्म हो गई, खुतबा खत्म हुआ, तो लोगों ने कहा भाई मौलाना तो अपना पैजामा देखिए, पहले दिन ही पूछ लिया कि वो अगर किसी के पैजामे में पब्लिक बहुत चल आ गई, इनको कहिएगा तो इंजन कट से जायज हो जाएगा, जनरली पूछिए पहले। अगर किसी के जिस्म में खून लग जाए तो हमने सीधे सीधे कहा कि अगर इतना से कम है तो नमाज में हैज नहीं है, लेकिन अगर इसकी हमें बदलनी से ज्यादा है तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तब लोगों ने कहा और जनाब अपना पैजामा मुलाहिज़ा फरमाइए, आपके पैजामे में खून लगा, अब बताइए हम लोगों की नमाज का क्या होगा। हमें चूंकि पता नहीं था आप लोगों को इसलिए नमाज और नहीं दुरुस्त है। जैसे ही हुआ चीनी गोइयां शुरू हुई, अच्छी बात, अभी तो कह रहे थे कि नमाज बाकी अच्छी बात आई, तो कह रहे नहीं साहब ठीक है, अब किससे पूछा जाए। हमारे पास आपको एक मौलाना कोई और बुजुर्ग आ गए, उनका मौलाना ये बताइए इसी तरह, उनका नहीं नमाज गलत है। फिर हम तक बात करने का इनको क्या आता है, लेकिन जब आदमी अपनी ऊंची करना चाहते जिसको चाहे जलील कर दे, इनको क्या आता है, कई दिन पढ़ा है उन्होंने, तो किसी ने कहा देखो ये यूं नहीं ठीक होगा, भेजो शाकिब साहब के पास, इनके भी वो बाप है उस्ताद, वो क्या कहते हैं टेलीफोन करवाओ। अभी जो है टेलीफोन आपके सामने करते हैं मौलाना शाकिब साहब को, उनसे पूछते हैं मसला कि क्या कहते हैं। हमने कहा ठीक है पूछ लीजिए आप, हम डरने वाले थोड़ी है। शाकिब साहब ने कह दिया नहीं भाई नमाज बातिल, कह आप लीजिए बात कीजिए आप। मैंने कहा जी मौलाना साहब, कहे बेटा नमाज बातिल। हमने कह रहे आप तो बूढ़े हो गए 80 साल के आदमी, क्या लिए है। देखिए जब नहीं मानना है तो जिसको चाहिए इस्लाम कह दीजिए, जिसको चाहिए सचियारा कह दीजिए, जब मानना नहीं तो मानने के लिए कुछ तो इल्जाम लगाना होगा ना मानने के लिए। हमने शाकिब साहब कहते सर ये इज्ञान पक रहे, ये तो बूढ़े हो गए। उनका भैया ये तो अपने उस्ताद को भी कह रहा है इज्ञान पक रहा है। हमने कहा ये तो सिर्फ उस्ताद है, अब ये लाके चलो भाई मर्जा से पूछे आज तिस्तानी क्या लिखो। आई साहब ने आए सिस्तानी क्या मसला लिख के, उन्होंने भी वही बात कही जो शाकिर साहब ने कहा था कि अगर इससे ज्यादा है तो नमाज बातिल। अब आया हम फतवा का, अब बताओ, अब तो मर्जा ने लिखा है ना, फिर वही बात है, जब नहीं मानना है तो चाहे जो आ जाए। हमने कहा भैया असल में ये लोग जो है इनको तारीख तो पता नहीं है, अब सिस्तानी साहब ने लिख दिया, हम क्या कहें बुजुर्ग है, अब उनके खिलाफ तो जबान नहीं खोल सकते। मगर ये बताइए कि नमाज का मतलब क्या हुआ, पब्लिक सफाई शुरू की हमने, नमाज का मतलब क्या हुआ, कल नमाज का मतलब यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। हमने कितनी देर, 10 मिनट 15 मिनट, इतना सा खून अगर किसी के जिस्म में लग जाए कपड़े में तो 10 मिनट के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं हो सकता। अब आए सिस्तानी में तारीख नहीं पड़ी तो हम क्या करें, जहां कहिए खैबर चले, खंदक चले, बद्र चले, सिफीन चले, हुनैन चले, मालूम है लड़ते लड़ते यहां देखते से खून की बात है, वहां पूरा जिस्म मुजाहिद का लहू लुहान हो चुका है और वही मैदान जंग में शहीद हो गया। अब बड़े लोग या रसूल अल्लाह गुस्ल दे दिया जाए, या रसूल अल्लाह कफन पहना दिया जाए, अब हुक्म क्या है, क्या नहीं, इसी खून के साथ ऐसे ही लथड़े हुए जिस्म के साथ ये बारगाह इलाही में जाएगा। अब पहचाना आपने शहीद की हैसियत क्या है, हमारा इतना सा खून 10 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं है, शहीद का खून इतना बाबरकत है कि पूरे जिस्म के साथ हमेशा के लिए सलाम करिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तालीम कर देता 34 बार अल्लाह अकबर कह लिया करो, 33 बार
अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। 33 बार देखिए, एक बात और रुक के कह दो कि ये जो तादाद बताई गई है हमें अल्लाह अकबर ही तो कहना है। 34 का अगर औसत कह दे तो क्या मुसीबत है, अल्हम्दुलिल्लाह ही तो कहना है। 33 के बजाय 66 कह दे, कोई गुनाह थोड़ी होगा, गुनाह तो नहीं होगा। एक बुजुर्गवार ने बड़ी अच्छी बात कही, कहे जो अदल मुअय्यन की गई है अल्लाह के हबीब ने मुअय्यन की है उसका अपना एक असर होता है। क्या मतलब, फर्ज कीजिए कि आदमी ने कहा कि आपको खजाने की तलाश है, जी हाँ, यहां से 18 कदम आप जाइए गिर करके वहां से दाहिने मुड़िएगा, दाहिने मुड़ने के बाद आप 13 कदम चल करके फिर बाएं मुड़ जाइएगा, बाएं आप 8वें कदम पर जाइए वहां पर खुदाई कीजिए खजाना मिलेगा। तो यूं जाना 18 कदम, फिर यूं मुड़ना 13 कदम, फिर यूं 8वें कदम पर खोदिए खजाना मिलेगा। हमने कहा चलना ही, मैं थक थोड़ी हूं, 18 के बजाय 36 चल लेता हूँ, 8 के बजाय 16 चल लेता हूँ। कब थकेंगे तो नहीं आप, लेकिन लाख खुदाई कीजिए आपको खजाना नहीं मिलेगा। आप समझे, अगर नबी ने 34 कहा है तो 34 पर खजाना है, 33 कहा है तो 33 पर खजाना। हमको हक कटाने और बढ़ाने का नहीं है, सवाल तो ये बंद बताने का। तो आप एक बात तय हो गई ना कि 34 कहना है, 36 की बात नहीं है, उसका अलग असर होगा जो पैगंबर ने फरमाया, 33 कहना है। तो जब गिन के 34 कहना है तो अंदाजे से वही तो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लिहाजा अब कोई चीज होनी चाहिए गिनने के लिए, हालांकि रिवायत ये भी मुस्ताब है, मुबीनों पर ये गवाही देंगी पूरे। लेकिन अब रिवायत से पूछे कि जब पैगंबर ने शहजादी को बता दिया 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुभान अल्लाह, तो जनाब शहजादी ने गिना काहे पर। उसके जवाब में शहीद फरमाते हैं इमाम सईद मुतहरी कि जनाब फातिमा ने तस्बीह बनाई, तस्बीह काहे की, अब तो हज पे जाइए तो मेड इन चाइना तस्बीह मिलती है, लेकिन उस जमाने में मिट्टी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं थी, तो मिट्टी से बनाई ये तय है। अब जो मामूली से मामूली काम आप करते हैं तो तबर्रुक का लिहाज करते हैं। जनाब फातिमा पहली तस्बीह बना रही हैं इस्लाम की, तो खाक मुतबर्रक होना चाहिए। कहा कि खाक ली जनाब फातिमा ने, तो एक जवाब आप देंगे कि तुम अहमक हो, जनाब फातिमा को खाक की तलाश है, वो अपने पैर के नीचे उठा ले वही बाबरकत है, वो रसूलुल्लाह के कदम की मिट्टी ले लें वही बाबरकत है, वो अली अलैहिस्सलाम के कदम की मिट्टी ले लें वही बाबरकत, वो अपने बच्चों के कदम की खाक की तस्बीह बना लें, वो अपने घर के जिस कोने से चाहे मिट्टी ले करके वही सब बाबरकत है। लेकिन रिवायत क्या कहती है कि फातिमा ने न काबे से मिट्टी मंगवाई, न नबी के कदम की मिट्टी ली, न अपने कदम की मिट्टी ली, न अली के जेर कदम मिट्टी ली, न हसनैन के कदम की खाक ली, न अपने घर से किसी कोने की मिट्टी ली, खाक मंगवाई फातिमा ने कहां से पता है, कहा मैदान ओहद से। हमारे पास हर चीज का जवाब है, हम अपनी जहालत पर न पढ़ पाए ये हमारी कमी है। फातिमा ने मिट्टी मंगवाई कहां से, कहा ओहद से, कहा ओहद में कहां से मंगवाई, कहा हमजा के कब्र की खाक मंगवाई, ओहद में तो और भी शुहदा है कि हमजा ही क्यों, कहा करबला का वाकया होने से पहले तक हमजा क्या थे, कहा सैयदुल शुहदा, बोला फातिमा हमको सुन्नत दे गई है, जब तक हमजा सैयदुल शुहदा थे उनकी खाक की कब्र थी, जब से हुसैन हो गए तब से उनकी खाक की कब्र थी। शहीद का मर्तबा क्या हुआ, शहीद वो जिससे हिसाब किताब नहीं होगा, शहीद वो जो अपने पूरे लुथड़े हुए खून आलूद जिस्म के साथ हमेशा बारगाह इलाही में जाने के लायक, शहीद वो जिसको दो आयतों में कहा गया न मुर्दा कह सकते हो न मुर्दा समझ सकते हो, शहीद वो के जिसकी कब्र की खाक की तस्बीह फातिमा जहरा ने बनाई,
अब इससे बढ़कर के शहीद का कोई मर्तबा हो सकता है? तो अब हम इसके बाद अगर सवाल करें कि सारी कायनात में सबसे बलंद जात का नाम, जवाब मोहम्मद अरबी, कि उनके सदके में दुनिया खल्क हुई। कहा उनके बाद सारी कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत कौन? कहा औलादे नबी, अइम्मा मासूमीन, कहा मोहम्मद व आले मोहम्मद के बाद कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा किसका? जवाब अभी फंसेगा मामला, अभी फंसेगा। जवाब शहीद का हो गई बात ना? कहा नहीं, एक हदीस भी है। वो क्या? कहा हदीस कहती है मेदादुल उलमा अफजल मिन दिमाए शुहदा। उलमा के कलम की रोशनाई शुहदा के खून से अफजल है। तो इसका ना सारे मर्तबे के बावजूद शहीद का खून एक तरफ, एक फकीर के कलम की रोशनाई, तो इसका मतलब शहीद सबसे बलंद। लेकिन एक वाकई मानों में अगर आदमी में तो वो शहीद, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि वो आलिम भी हो और शहीद भी हो, कहीं ऐसा हो जाए जिसको खुद हुसैन ने रजुल फकीर लिख दिया हो, जहां फकाहत भी हो और शहादत भी हो, तो पलटी बात सबसे बलंद जात मोहम्मद अरबी की, उनके बाद उनकी औलाद की, उनके बाद का शुहदा की, उनके बाद शुहदाए करबला की। क्यों? इसलिए कि ये फकीर भी है। तो सारी कायनात में बाके मोहम्मद वाले मोहम्मद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? शुहदाए। ये बताइए, जब मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा इनका है, तो अब इनको इससे ऊंचे किसी मर्तबे की ख्वाहिश हो सकती है? बिल्कुल लास्ट स्टेज पे तो खुद ही पहुंचे हुए हैं, आखिरी मंजिल पर तो खुद ही पहुंचे हुए हैं। मेरे ख्याल में शायद मैं आपके जहन तक बात पहुंचा सका हूं। अब हदीस आप पढ़िए फिर से, जो चौथे इमाम ने फरमाई कि सबसे बुलंद मर्तबा आप कायनात में किसका हुआ? बाद खुदा और रसूल शुहदा का। शुहदा के बाद से बड़ा कोई मर्तबा किसी का, खास करके करबला वाले शुहदा, उनसे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। उसके बाद हई क्या है कि हम ये ख्वाहिश करें, लेकिन अब हदीस क्या कहती है कि इन शुहदा में भी न जाने अब्बास का क्या मर्तबा है, न जाने अब्बास की क्या मंजिल है। अब हदीस पढ़ू समझ में आएगी कि अब्बास है मंजिल तन योमल कियामा, कियामत में अब्बास को वो मर्तबा होगा कि यद में तो बेहा जमी और शुहदा, जिसको देख के सारे शुहदा गिनता कर रहे होंगे, काश अब्बास की मंजिल तक हम पहुंच जाते, काश अब्बास के मर्तबे तक हम पहुंच। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमले के बाद आगे कोई जनाब अब्बास के लिए क्या बोले कि जिसके मर्तबे के देख के शहीद को भी रिब्ता हो कि काश इस मंजिल पर हम पहुंच गए होते। चुनांचे फजाइल की कुछ मंजिलें ऐसी आ जाती हैं वाकई कि जहां जबान, एक लकब है मौला का, चलिए ये भी सुन लीजिए याद आ गया, एक लकब है मौला का, क्या कमरे बनी हाशिम, क्या मतलब हुआ इसका? बनी हाशिम का जान, और इस पर कभी गौर किया आपने? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं गोरा हूं कि काला? इसको आपको कहा ले आया मैं? अब हमको आप ले चलिए पहले अफ्रीका, तंजानिया, और वहां खड़ा करके 10 अफ्रीकियों के बीच पूछिए कि बस ये सब गोरे हैं कि काले हैं। उसके बाद हमको लेके आइए आप इराक, ईरान, ब्रिटानिया, और वहां इन गोरों के बीच खड़ा करके पूछिए तो हम क्या हुए? काले। उसके बाद हमको हमारे घर वालों के बीच खड़ा कीजिए तो अभी हो जाएंगे सामने। तो एक ही आदमी एक ही वक्त में काला है, एक ही आदमी एक ही वक्त में गोरा है, काला है और सांवला भी है। तो अब ये गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, ये कैसे तय होगा? कहा
पहले ये देखो किसके बीच में है, अब ये देखो कि किसके बीच में ये गोरा है। हम भैयों के बीच में गोरे को गोरा नहीं कहते। अगर अब्बास का लकब है कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चार, तो पहले ये तय करो खुद बनी हाशिम कैसे थे, ये किसके बीच का चार है। अगर बनी हाशिम मान अल्लाह अफ्रीकियों की तरह थे, उसमें अगर चार है बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बनी हाशिम खुद वो हो तो इसके लिए अब जरूरत है कि नहीं है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि खुद बनी हाशिम कैसे थे। सवाल पढ़िए बात में, इसमें बहुत से वाक्य ऐसे होंगे कि जो ग्रेजुएट होंगे हैं, बीए पास, बीए की कोई गिनती भी नहीं है। अभी अखबार भी था आज नायब सदर ने कहा भैया बीए हुआ, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। लेकिन हम जहाँ पहले अशरा पढ़ते थे थोड़ी में, वहां एक बुजुर्ग बनाते मोटे से छत्ते चचा कहे जाते थे, और वाकई अल्लाह उस आदमी को हयात दे, वाकई मौलाई आदमी है। तो एक दिन बैठे थे, कहने लगे मौल साहब, जो पश्चिमी हम जबान होती, अजय मौल साहब हमारे दादा 1890 के बीए थे, ये बहनवा ने तारीफ कहा कि नहीं कहा। हमारे दिल में हमने कहा भैया इस जमाने में तो हर घर में दो चार बीए नजर आ जाएंगे, ये आपको 1890 दादा को लाने की क्या जरूरत है कि दादा बीए थे। वजह क्या हुई, कहा जहां आज हर घर में आईएएस मौजूद है, एमए मौजूद है, एमकॉम मौजूद है, एमएससी मौजूद है, एमसीए मौजूद है, उसमें अगर कोई बीए है तो उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन 1890 जिसमें आमतौर पर लोग 8वां पास होते थे, हाई स्कूल पास होते थे, उसमें अगर कोई बीए हो जाए तो उसकी अहमियत होगी कि नहीं होगी। तो अब मसला बीए का नहीं है, मसला यह है कि लोगों के दरमियान ये बीए है। सवाल पहले मोहम्मद खूबसूरत थे, और यही फर्क है बुनियादी बनी हाशिम और बनी उमैया में। हाशिम को खानदान का तारा कहा जाता था। जनाबे अब्दुल्ला जो हबीब खुदा के वालिद हैं, वो भी अपने खानदान के खूबसूरत लोगों में शुमार होते थे, उनका भी तारा कहा जाता था। अब आइए रसूलुल्लाह पर, रसूलुल्लाह के लिए बहस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इसलिए कि जो नबी और हबीब खुदा है उसको हर एतबार से सबसे बुलंद होना चाहिए। कहीं जरा सी भी कमी हुई तो दूसरा आदमी रुक के कहे वो तो सब ठीक था, मगर जो खूबसूरती हमारे अंदर थी वो रसूलुल्लाह में थोड़ी थी। तो अब हजरत का मर्तबा बड़ा होना चाहिए। चुनांचे हुस्न के एतबार से भी कायनात में सबसे बुलंद अकल कहती है कौन होगा, हुजूर को होना चाहिए। जिसका कसीदा कुरान ने पढ़ा है, यानी यूसुफ, कुरान ने यूसुफ के हुस्न का कसीदा पढ़ा है, उस यूसुफ ने पैगंबर के हुस्न का कसीदा पढ़ा, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जब एक मुद्दत के बाद रास्ते में आवाज लगाई गई, बात बामुलाहिज़ा होशियार, क्या है कि यूसुफ की सवारी गुजरने वाली, सबके नारे हो गए, सुलेखा खड़ी गई, आवाज दी यूसुफ कौन, पहचाना नहीं, कौन हो तुम, अरे यूसुफ मैं जुलेखा हूं। सुलेखा, अरे तुम, तुम्हारा ये हाल हो गया। सुलेखा ने कहा यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत, जैसे ही सुलेखा ने कहा तुम्हारे मोहब्बत में फरेख्ता होने के बाद मेरा यह हाल है, फौरन जनाब यूसुफ की जबान से फकरा निकला, जुलेखा मेरा मामूली सा हुस्न देख करके तो तेरा यह हाल हुआ, अगर कहीं मोहम्मद अरबी को देखती तो क्या होता। जैसे ही यूसुफ ने यह कहा वैसे ही जुलेखा ने कहा हाँ यूसुफ तुम ठीक कहते हो, क्या तुमने तो देखा नहीं, ताहिद कैसे की का पता नहीं, जैसे ही तुमने मोहम्मद का नाम लिया मोहम्मद की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। जैसे ही जुलेखा ने हबीब के मोहब्बत का ऐलान किया, जबरील आए यूसुफ बस जो होना था हो चुका, अब तक तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, अब हमारे हबीब की मोहब्बत इसके दिल में आ चुकी है, अब इसकी जवानी पलटाई जाएगी। आप समझ में आई बात,
अब उसके बाद अली की बात आती है, हसन की बात आती है, हुसैन की बात आती है, जरूरत नहीं है, क्यों? कई तरीके भी हदय इलाही के मालिक थे, लिहाजा इनके अंदर भी होना चाहिए। और रिवायत यहाँ तक कहती है कि आधा जिसम माने हसन का पैगंबर से मुशाबे था, आधा मानो हुसैन का पैगंबर से मुशाबे था। जब शबाहत की बात आ गई तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब रही ले दे करके एक और जवान की, अली अकबर की, तो उन पर बहस की जरूरत नहीं है कि उनके लिए शबी रसूल कहा ही जाता है, तो अकबर के हुस्न पर बहस की जरूरत नहीं है। अब आइए कहते हैं कि जब जनाब कासिम मैदान में गए तो पता है रिवायत का जुमला क्या है, जब जनाब कासिम खैमे से मक्तल की तरफ जा रहे थे तो रावी कहता है कि कफल कतिल कमर, ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा है जो मक्तल की तरफ जा रहा है। दूसरे दिन की मजलिस अगर आपको तीसरे दिन की याद हो, मुस्लिम के बच्चों की जब बात कही जा रही थी तो क्या कहा गया कि जब बच्चों का अक्स पानी में पा रहा था, हारिस की कनीज ने देखा, रिवायत का जुमला क्या है, कान्नहुमा कमराने यलमान फिल्मा, ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर दो चांद चमक रहे हो। जहां कासिम चांद का टुकड़ा कहे जाए, जहां छोटे छोटे बच्चे गोया चांद कहे जाए, जहां हुसैन मौजूद हो, जहां हसन मौजूद, ऐसे मजबे में अगर किसी को बनी हाशिम का चांद देख लिया, मोहम्मद वाले मोहम्मद होती। एक का नाम है सिफात और एक का नाम है मौसूफ। सिफात किसे कहते हैं, मौसूफ अक्सर पुकार, और इस पहले इसका मौलाना मौसूफ खिताब फरमाएंगे। जैसे फर्ज कीजिए एक है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टरी क्या हुई सिफात, और वो खुद डॉक्टर साहब की शख्सियत क्या हुई मौसूफ। एक मौलाना साहब है तो उनकी मौलवियत क्या हुई, और खुद मौलाना साहब की जात क्या हुई, वो हो गई मौसूफ। इंजीनियर साहब है तो उनका इल्म क्या हुआ, उनकी सिफत, और खुद उनकी जात क्या हुई मौसूफ। एक प्रधान जी है फर्ज कीजिए, एक प्रमुख साहब है, एक एमएलए साहब है, तो फर्ज समझा गया ना, एक चीज जिसे कहते हैं सिफत, एक चीज जिसे कहते हैं मौसूफ। अब सिफत और मौसूफ का राबता क्या है, राबता यह है कि मौसूफ का जिक्र करने से सिफत का तसव्वुर तो फौरन होता है। मसलन आपने कहा वसी हसन आ गए तो मौसूफ का नाम लिया ना, जैसे ही आपने कहा वसी हसन आ गया का मतलब मौलाना वसी हसन है ना, जैसे ही आपने मौसूफ कहा, आपने कहा जनाबे जैद, कौन वो डॉक्टर जैद, आपने कहा जैद डॉक्टरी का तसव्वुर हो गया, आपने कहा खालिद, अच्छा वो इंजीनियर साहब, आपने मौसूफ का जिक्र किया सिफत का तसव्वुर, तो तरीका क्या है कि मौसूफ के तस्करे से सिफत का तसव्वुर जहन में आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिफत का तस्करा किया जाए तो पर्टिकुलर उसी मौसूफ का तसव्वुर जहन में। मसलन आपने वसीयतन कहा तो मौलवियत का तसव्वुर तो हो गया, लेकिन अगर आप किसी को बोले भैया मौलाना साहब आए, कौन हसनी साहब, मोहम्मद अली साहब, आरिफ साहब, किसको पूछ रहे हैं आप, तो चूंकि कई है इसलिए सिफत के तस्करे से उसी पर्टिकुलर मौसूफ का तसव्वुर हो। भाई चार एमएलए आपका एक साथ है इत्तेफाक से, कल विधायक जी आए थे, कौन से विधायक, जैद के बकर के खालिद, हो गई ना बात, तो मौसूफ की खसूसियत क्या है। हाँ मगर ये किसी घर में कोई अकेला हो, जैसे फर्ज कीजिए क्या अपने घर की बात हो रही है, उनका मौलाना है कब वसीयत के बाद कोई है ही नहीं, तो चूंकि अकेला इसने तो, लेकिन
अगर किसी घराने में उसी सिफत के कई लोग हों, किसी समाज में उसी सिफत के कई लोग हों, तो नाम लेके तो सिफत का तसव्वुर होगा, लेकिन सिफत से उसी मौसूफ का तसव्वुर होना कोई जरूरी नहीं है। अब्बास के नामों में अलकाब में एक लकब है सक्का, अब्बास के अलकाब में एक लकब है अलमदारी। ये बताइए इस घराने का पुराना काम है ये? जनाबे अबू तालिब हाजियों के सक्का थे, जंगों में आलम नबी की जिंदगी में किसके हाथ में होता था? काली के हाथ में। तो इसका मतलब आलमदार जाफर भी है, आलमदार हमजा भी है, आलमदार खुदफाप अली भी है, सक्का भी है। लेकिन ऐसा अब्बास ने इन सिफतों को अपनाया है कि हम जब भी आलमदार देंगे ना जाफर का ख्याल आता है, ना हमजा का ख्याल आता है, ना अली का ख्याल आता है। आलमदार का मतलब अब्बास है, सक्का का मतलब अब्बास है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद बताइए। आलमदार कहिए और कभी अली अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में आया? क्या अली आलमदार नहीं है? क्या हमजा आलमदार नहीं थे? क्या जाफर आलमदार नहीं थे? लेकिन कैसा इन सिफतों को अपनाया है कि बाप है अली, मगर उसके बावजूद जब भी इंसान आलमदार कहेगा तो अब्बास का, जब भी इंसान सत्ता कहेगा तो अब और बुजुर्गों का तसव्वुर नहीं है, फकत किसका तसव्वुर? अब्बास का तसव्वुर है। तो मिन जुमला उन नामों के खबरें बनी हाशिम हो गया, अलमदार हो गया, सक्का हो गया। एक नाम और भी लकब जनाबे अब्बास का है कि जिसको 14 मासूम है, 14 मासूम है, एक इमाम के अलावा किसी का लकब नहीं है, और वो क्या है? बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। क्या अली के जरिए हाजत कबूल नहीं होगी? क्या हुसैन के जरिए हाजत कबूल नहीं होगी? क्या बीबी फातिमा ज़हरा के जरिए हाजत कबूल नहीं होगी? लेकिन सारे इमामों में सिर्फ एक सातवें इमाम का लकब है बाबुल हवाइज का, और गैर मासूमीन में जब से दुनिया कायम हुई है और जब तक ये दुनिया रहेगी किसी को वो लकब नहीं मिला है जो हमारे मौला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को मिला। क्या? बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। लिहाजा आज मौका अल्लाह ने दिया है, उम्र अल्लाह ने दी, नसीब किया खुदा ने, अब्बास के नाम की मजलिस में आ गए तो आज खाली हाथ न जाओ। इसलिए कि इनका अच्छा ये नहीं है कि ये चाहने वालों ने दे दिया हो लकब, चाहने वालों ने ये खिताब दे दिया हो बाबुल हवाइज का, बल्कि एक जगह कहते हैं कि एक शख्स बीमार था, चला गया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे पर फरियाद कर रहा है, तबलीग दुआ मांग रहा है। खाब में उसने देखा रसूलुल्लाह और जनाब अब्बास। जनाब अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये हमारे यहाँ है, हमारी माँ है, इसकी शिफा दे दीजिए। उमर ने कहा बेटा इसकी उम्र खत्म हो गई है, अब इसको शिफा नहीं होना। हजरत ने फरमाया या तो इसको शिफा दी जाए या मुझसे बाबुल हवाइज का लकब वापस ले लिया। हजरत ने फरमाया अल्लाह ने तुमको कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बनाया। तो इससे क्या समझ में बात आती है कि ये चाहने वालों का दिया हुआ लकब नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से अब्बास को ये लकब दिया गया है। उसकी इल्लत समझ रहे हैं आप? क्या हो सकती है कि आखिर करबला है बहुत से थे ना, ये अब्बासी को बाबुल हवाइज का लकब क्यों दिया गया? क्या खसूसियत थी अब्बास ने? जहां तक मैं समझाऊं शायद एक ही वजह हो सकती है कि अब्बास पूरे करबला
کی اگر آپ تاریخ پڑھیے تو عباس کی خواہش کیا تھی؟ حتیٰ کہ اس خواہش کے پوری نہ ہونے کے لیے عباس نے یہاں تک وصیت کر دی میری لاش میں مت لے جائیے گا. تو کیا خواہش تھی عباس کی؟ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے. شاید اللہ کو یہی بات کہ عباس اگر تمہاری حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی ہے تو اب قیامت تک ساری دنیا کی حاجت تمہارے ذریعے سے پوری ہوگی. تم کو باب الحوائج کہا جائے گا. اور اب یہاں سے سنیے آپ کس کس طریقے سے لوگوں نے عباس کے ذریعے سے اپنی حاجتیں لی ہیں. چنانچہ ایک بزرگ عالم علی خدا میری پر ان کے صاحبزادے کا فرمانا ہے کبھی ایک بات اور کہیں رکے آقا ابو الفضل عباس کے لیے نا کبھی دل چھوٹا مت کیجیے. نہیں ہے کہاں سے کریں گے انتظام کرنے والے خود. وہ فرماتے ان کے صاحبزادے مر جانے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اچھے خاصے میرے ابا مقروض ہو کے مرے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ابا کے یہاں لوگ آتے تھے اور لین دین چلتا تو لوگ میرے پاس بھی آتے تھے. اب میں کیسے اپنے کو مینٹین کروں؟ میرے لیے یہی دقت. یہاں تک کہ محرم آ گیا. محرم کے زمانے میں میرے والد مرحوم کا طریقہ یہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ سات محرم کو شب آٹھ کو ہمارے یہاں جناب عباس کے نام کا کھانا ہوتا اور اس میں باقاعدہ یہ نجف کی داستان ہے. باقاعدہ جناب عباس کے نام کا کھانا ہوتا تھا اور لوگ مدعو ہوتے تھے لوگ کھاتے تھے. اس سال جب محرم آ گیا تو ہماری حالت یوں ہی خراب تھی. والد کے انتقال کی وجہ سے میری کوئی خاص آمدنی نہیں. میری بیوی نے کہا کہ وہ کیا ہوگا بھائی محرم آ گیا اور ساتویں آنے والی ہے کیا آپ کی جناب عباس کی حاضری نہیں ہوگی؟ میں نے کوئی منت تھوڑی کی ہے کہ میں ان کا واجب ارسال کروں ضرور. اللہ نے دیا ہوتا کرتا, نہیں دیا ہے نہیں کروں گا, خرچ لے کے تھوڑی کروں گا. میری بیوی کے منہ سے نکل گیا کہ دیکھو جناب عباس کے لیے اپنا دل چھوڑنا پڑتا ہے. بیوی نے بات کہی, بات ہوگی ہوگی. اتفاق سے ایک باورچی تھا جو والد مرحوم کے زمانے سے یہ ساتھ والی حاضری پکایا کرتا. وہ آ گیا اور میں سید کیا میں اس سال نہیں گیا پکانے وکانے کے لیے؟ اس سال نہیں ہوا کیا؟ میں نے کہا بھیا میرے پاس ہے ہی نہیں اور میں نے کوئی منت نہیں کی مجھ پر واجب ہو. اتفاق سے اس نے بھی وہی بات کہہ دی کہ سید جناب عباس کے لیے اتنا چھوٹا دل مت کرو. تو بات آئی گئی ہو گئی. یہ میں نے اچانک سوچا کہ ایک عورت ہو کر کے اس کا یہ جذبہ ہے. ایک بیچارہ جاہل انپڑھ باورچی اس کا یہ عقیدہ ہے. تم ایک مرجع کے بیٹے ہو کر کے ابا کبا امامے کے ساتھ اور یہ کہہ رہا میں نے منت نہیں کی فلاں نہیں کی. چلو اللہ کا نام لے کر کرتے ہو خدا پورا کرنے والا. کچھ پیسہ ادھر ادھر سے میں نے انتظام کیا چاول بھر کا. لیکن اب پتہ لگایا کہ یہاں سے اگر چاول لیتے ہیں تو مثلاً 8 روپے کلو ملے گا مثال کے طور. لیکن اگر یہی ہم بغداد سے لیا ہے مین مل سے جہاں یہ تیاری ہوتی ہے تو وہاں شاید 6 روپے مل جائے گا. میں صاحب چلا گیا وہاں مین مل والے کے یہاں. اتفاق سے جو وہاں پہنچا تو مل کے مالک کا بیٹا موجود تھا. ارے حضور آپ کیسے؟ مرجع کا بیٹا پہنچا ہے خیریت تو؟ کہ میں وہ ایک حاضری کرتے ہیں ہم جناب عباس کے نام کی, چاول لینا تھا فلا کے یہاں سے لیتے تھے مگر کچھ وجہ ایسی ہوئی ہم اپنی غربت نہیں ظاہر کی انہوں نے. کچھ ایسی وجہ ہے وہاں سے نہیں مناسب سمجھا تمہارے یہاں آئے. کہ بڑا اچھا فرمایا حضور. کتنا چاہیے؟ ہوگا 4 کوئنٹل بھائی صاحب ہوتا 4 کوئنٹل. اور نہ فوراً ہمار بڑا ہے کھولی کر لے جاؤ آگا کیا 4 کوئنٹل چار رکھا اور کہا رجسٹر لاؤ جناب عباس والا. اس رجسٹر کے اندر لکھا کہ آج طرف ہے جناب باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس 4 کوئنٹل چاول جناب آغا فلا کے یہاں بھیجا گیا. اور وہ اس نے مجھ سے پیسہ نہیں لیا, جناب عباس کے کھاتے میں لکھ دیا. تو جو پیسہ میں لے گیا تو بچ گیا. اندر سے بہت خوش ہوئے کہ چلو اب باقاعدہ گوشت بھی ہو جائے گا اتنے میں, کوئی بات نہیں. خوش خوش واپس آئے, لکڑی لکڑی منگوائی. اوپر لکڑی چلا رہے تھے اس لیے کہ ہمارا مکان جو تھا وہ 2 منزلہ تھا, دوسری والی منزل پکتا پکتا ہو. لکڑی ہم
गुर्बत का हाल ये कि अपना अबा कबा उतार के और वह तौलिया बात करके कमर में खुद ही बच्चों के साथ लकड़ी चबा रहे थे कि चार आने मजदूरी के बच जाएंगे, वो पकवाई में दे दिया जाएगा। इतने में देखा कि दो तीन अरब एक मोटा सा दुम्बा लिए हुए मेरे घर के करीब आए और मुझसे ही पूछा कि फला साहब का मकान। मैंने कहा यार अगर मुझको इस हाल में इन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि इतने बड़े आलिम दीन रखा इस शक्ल में लकड़ियां ढोरा। मैंने कहा जी बताता हूँ। मैं अंदर गया और सब उतार उतार के थोड़ा होगा मामा मामा बैठ के निकला। जी फरमाइए क्या बात है। तो लगा साहब हम फला देहात के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ मन्नत थी नज़र थी एक जनाब अब्बास के नाम का दुम्बा जबा करने की। हम वो दुम्बा लेके चले आए करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और अब्बास चले रोज़े जनाब अब्बास पर कि वही जबा करना इसको मन्नत थी जनाब अब्बास की। वहां पहुंचे खुद्दाम ने जो है आलन मसाले शुरू किया मौला कबूल करे कि इतने में एक खादिम आया रोजे का। उसने कहा ये क्या है। हमने कहा नज़रे जनाब अब्बास। उस खादिम ने कहा कि यहां जनाब अब्बास को तुम्हारे इस बकरे की जरूरत नहीं है। अगर वाकई नजर पहुंचाना चाहते हो तो नजब चले जाओ। फला आगा के हर साल सात मुहर्रम को जनाब अब्बास के नाम की हाजिरी होती है। वहां ये बकरा दे रहा हूं पहुंचाया। उससे पता पूछा आप क्या आया हूं। ये कबूल फरमा लीजिए। मैंने वो दुम्बा ले लिया। उसके बाद उन सबों ने जेब में हाथ डाला और एक रकम निकाली। कहिए क्या। कहा ये मसाले के लिए और पकवाई के लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने अम्मा उतार दिया
جانا چاہتے ہو تو ان عزمت علی الجہاد فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء, اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے تھوڑا سے پانی کی سبیل کرتے ہو. عباس نے مشکیزہ لیا, مقتل کی طرف چلے. اب ذرا سبق چاہیے, غور سے سنیے. عباس آئے مقتل پر, روایات مختلف ہیں. 30,000 سپاہی تھے, 1,00,000 فوجی تھے یزید کے, 4,00,000 تھے. اس کے علاوہ بعض روایتوں میں 4,000 اور بعض روایتوں میں 10,000. یہ اسپیشل فورس تھی الگ, جس کا کام کیا تھا, صرف فرات پر پہرا دینا کہ کچھ بھی ہو جائے حسین کے خیموں تک پانی نہ جانے پائے. وہ 50,000 1,32,000 جتنے تھے ان سے الگ رکھ کر کے یہ اسپیشل فورس تھی 4,000 یا 10,000 کی, جو دریا کے کنارے تھے گاہے کے لیے کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ جانے پائے. روایت میں آپ نے کیا سنا ہے, جب ان کا 4,000 کا یہی کام ہے 10,000 کا کہ اب کوئی دریا بھی نہ جانے پائے. اب روایت کیا کہتی ہے, عباس مشکیزہ لے کے آئے اور اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. ٹھیک, یہ دریا میں ڈال دیا کا مطلب کیا ہوا, یہ 10,000 فوجی جو فرات پر پہرا دینے کے لیے تھے یہ کہاں مر گئے تھے. یہ 4,000 یا 10,000, 4,000 مان لیے کم کی روایت اگر مان لیجئے, تو ایک پیاسے آدمی کے لیے جو صبح سے کنویں پر کنویں کھود رہا ہے, پیاس کی شدت غلبہ کر رہی ہے, اس ایک آدمی کے لیے 4,000 بھی کم نہیں ہے. یہ 4,000 فوجی جو فرات پر پہرا دینے کے لیے تھے یہ کہاں مر گئے. جبکہ اس میں بھی اختلاف روایات کہ جناب عباس جو میدان میں گئے تو کیسے گئے, نیزہ لے کے گئے کہ تلوار لے کے گئے. باس کہتے ہیں کہ تلوار لے کے, لیکن باس نے یہ بھی کہنا کہ حسین نے یہ بھی اجازت نہیں ہے, نیزہ لے کے گئے. تو اگر نیزے والے چلیے تلوار بھی مار لے کوئی بات نہیں, 4,000 آدمی ایک آدمی کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے فقط, یا اگر تلوار بھی ہے یہ 4,000 مل کے ایک آدمی کو روک نہیں سکے, کہاں چلے گئے. سوائے اس کے کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے کہ عباس کے نام کی دھمک ایسی تھی, اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا کہ لڑنا تو دور کی بات, جیسے ہی ان کو اعلان تھا کہ عباس آ رہے. اب سمجھ میں بات آئی ہے کہ شعرا نے کیوں کہا, شاعر مولانا بھی ہے, اچھا شعر کا میں شعر میں 10 دن ہو گیا, آج 8 دن آپ کے نئے میں نے مجھ کو شعر نہیں سنا ہوگا آپ, لیکن یہ شعر مجھ کو اچھا لگ گیا کہ عباس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ بجائے اس کے لیے لڑنے کا ارادہ کرتے صرف عباس کے تصور سے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ گھر چھوڑ دو بس جاننے کے بعد چلو. اور کسی شاعر کے مولانا محسن صاحب فرماتے کہ یہ گھر چھوڑ دو بس جان لے کے بعد چلو, وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. یہ دہشت تھی عباس کی, بھاگے چلو بھاگ گئے. اب تو عباس فرات میں ہے, جب فرات میں پہنچے تو کیا کیا عباس نے, چلیے دو چار منٹ اور یہاں رکتے ہیں. جب عباس فرات میں پہنچے تو کیا کیا عباس نے, چلو میں پانی لیا. ٹھیک, چلو میں پانی لینے کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے, فذکر عطش الحسین وعیالہ ورمل ماء بیدہ. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, عام طور پر کر دیا جاتا ہے کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی, عباس نے پانی پھینک دیا. یہ بات میں نے دلی میں پڑھ دی ایک مرتبہ. دیکھیں ہر اعتراض کو برا نہیں ماننا چاہیے. ایک ممتاز بھائی بہت محبت فرماتے ہیں, مجلس کے بعد آئے کرنے میں ملزا ایک سوال آپ سے, میں نے کیا کل وہ روایت کیا پڑھی آپ نے کہ چلو میں پانی لیا, حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی پھینک دیا. میں نے کہا یہ تو یہ کتاب ہے لکھا ہوا اس میں. کہنے وہ مجھ کو یہ اعتراض نہیں کہ آپ نے بغیر کہیں دیکھے پڑھ دیا, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جناب عباس حسین اور ان کے بچوں کی پیاس بھولے کب تھے جو یاد آئے. یہ بات معقول ہے حسین؟ میں نے یار ممتاز بھائی تمہاری بات اچھی ہے, اور اس کے خلاف مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہے
कि रिवायत ये जुमला है, उसको टाइम दो तुम। कहते जो कोशिश करता है अल्लाह उसको अता करता है। इत्तेफाक से दूसरे मुहर्रम में जो मैं दौड़ी पहुंचा, भाई ने कोई तालिबे कुम से आए थे, उनकी एक किताब थी, यही मांग के पढ़ने लगे। किताब जो खोली इत्तेफाक से यही मसला निकल आया। उस राइटर ने भी यह सवाल उठाया कि जब अब्बास को पता था हुसैन प्यासे है तो इस जुमले का क्या मतलब है। उसने कहा दो वजह हो सकती। एक वजह तो ये कि अब्बास के लकाब में एक लकब क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालेह। अब्बास अब्दु सालेह, अब्बास को पता है कि ये आखिरी मंजिल है मेरी, इसके बाद शहीद हो जाना है। हुसैन की प्यास को याद करना ये खुद अपनी जगह एक इबादत है। अब्बास को प्यास याद आई नहीं, हुसैन के लिए चुल्लू में पानी खास कर अब्बास ने लिया। अब्बास ने हुसैन की प्यास याद आई नहीं, चुल्लू में पानी लेके हुसैन की प्यास याद किया ताकि शहादत से पहले एक और इबादत कर। सकरा के वानी याद आने के नहीं है, सकरा के वानी याद करने के। सकरा आते सुन हुसैन, हुसैन की प्यास याद की और की इसलिए ताकि एक इबादत और हो जाए। चलिए ये बात समझ लें, हमको भी अच्छी लगी। हुसैन और उनके बच्चों की प्यास याद की, इबादत की, उसके बाद मशकीजे को देखिए पानी का तरीका क्या है। हर बात किताब में नहीं होती, पानी का तरीका क्या है। एक बाल्टी आप किसी हौज में डालिए, कितनी तेज भर जाएगी एक सेकंड के अंदर, बाल्टी भर जाएगी। लेकिन अगर 10 लीटर 20 लीटर की कोई जरकिन हो जिसका मुंह इतना हो बस, अब उसको आप पानी में डुबाइए तो क्या उतनी ही जल्दी भर जाएगी जितनी जल्दी बाल्टी भर गई। नहीं, क्यों कहा, आप धीरे धीरे टुक करके धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भरेगी। अब्बास ने मशकीजा डाला पानी, मशकीजा सूखा एक और फिर उसका दहाना। कुछ वक्त लगेगा ना मश्क भरने में, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट कुछ वक्त लगेगा पानी भरने में। ये इतनी देर अब्बास कहां मुतवज्जे थे। जब चुल्लू में पानी लिया, हुसैन की प्यास याद कर रहे थे, मशकीजा डाचा, अब मशकीजों में दबाना पड़ेगा हाथ से, तब वो पानी में डूबी रहे। तो अब्बास की सारी तवज्जो कहां है, मशकीजे पर है ना। तो अब्बास से मतलब फौज से दबा रही, अब ये फौज कहां मर गई थी। अब तो अब्बास फराक में है, मशकीजा भर रहे हैं, अब जो दहशत से भाग गए थे, अब तो अब्बास में हमला कर दो, हिम्मत नहीं भर रही है करीब आने की। फराक में तीर तो है तुम्हारे पास, दूर से तीर मार दो, ये फौज 4000 की मर कहा गई। अब क्या जवाब, सिवाय इसके कोई जवाब नहीं हो सकता कि अब्बास की दहशत कितना इनके दिलों पर तारी थी कि ये इतनी दूर भागते चले गए कि हाँपते ढांपते हम रुके तो इतने फासले पर जा चुके थे कि अब्बास इनके तीर के रेंज में भी नहीं आ सकते। अब आपने शुजात का अंदाजा कर लिया अब्बास, अब्बास ने पानी भर लिया, घोड़ा भी वफादार निकला, उसने पानी नहीं पिया और अब मशकीजा लाद करके अब्बास चले हैं। इधर इस फौज में जो असल फौज थी, जब देखा कि अब्बास जा रहे हैं, इनके जहन में यह ख्याल हुआ कि अगर कहीं खैमे तक पानी पहुंच गया फिर हुसैन पर काबू पाना और उनके असहाब पर काबू पाना जब अब्बास मौजूद है फिर मुश्किल है। अभी तो अब्बास ने पानी नहीं पिया है, लेकिन जब बच्चे पी लेंगे तब तो अब्बास पी सकते हैं, जब हुसैन पी लेंगे तब तो अब्बास पी सकते हैं। अगर इन लोगों ने पानी पी लिया फिर कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा सामने से आने की तो किसी में हिम्मत है नहीं। अब्बास का सिर्फ एक मकसद, शाने पर मशरत की हुई है, एक हाथ में परचम है, चले जा रहे, मकसद सिर्फ एक कि किसी सूरत से पानी पहुंच जाए। कहने में मौका गनीमत जान के छुप करके आगे से आने की हिम्मत नहीं। एक शकी ने एक ऐसा वार किया कि दाहिना बाजू अब्बास का कलम बाजू कलम हो गया,
जरा दो तीन शेर कह दो तो वो बाद में माजरत करेगा, आप पहले कहिएगा। उसके बेचारे की उंगली कट गई है, दर्द हो रहा है, तो बेचारा दर्द से परेशान है, शेर क्या कहेगा। और जिसका बाजू खत्म हो गया हो उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तारीख क्या कहती है, इधर बाजू कटा उधर पास थे, उसने जिस शान में शेर कहना शुरू किया, अपने बाजुओं का सदमा नहीं है, अपने बाजुओं के दर्द का एहसास नहीं है। एक मरतबा एक तीर आन के मशकीजे पे लगा, मशकीजे पे तीर का लगना था कि अब्बास की आस टूटी। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा तक मतवा
मसरूफ हो गया कि अचानक उस बच्चे ने एक ऐसी जसारत की कि मैं लरस गया, मैं हिल गया। ये क्या बदतमीजी है? क्या कहा एक मरतबा उस बच्चे ने जरी पर हाथ रखा अब्बास के, जुमला कहा, अब्बास मौला तुम्हारी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं आया, आज मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तुम इस माँ के अलावा मेरा कोई नहीं। मौला एक बात सुन लो, अगर मेरी हाजत पूरी न हुई मैं नजफ चला जाऊंगा, तो तुम्हारे बाबा आने से तुम्हारी शिकायत करूँ। माँ के ताबूत को छोड़ दिया, रोजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मरहूम शेख जाफर कहते ताबूत पे हरकत हुई, वो ज़ईफ़ा उठ के बैठ गई। ये बात है बच्चों, तुम्हारे दुआ की कबूलियत का, आज अगर कोई खाली हाथ वापस चला जाएगा तो ये हमारी अपनी कमी और दहशत है, आगे कोई कमी नहीं है। दाखिल हुआ, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, अब शरीर का तवाफ करना शुरू किया, निकलना चाहते हैं, मैंने दौड़ के पकड़ा, बेटा ये बता तेरी माँ को शिफा कैसे मिल गई? का देखा ले लिया मैंने, आप कहा जाओ गुस्ल कफन का इंतजाम करो, जाओ मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का सलीका डर होना चाहिए। का बता बेटा हुआ क्या? का हुआ ये कि जब मैं अपनी माँ के ताबूत को यहाँ छोड़ करके चला बाहर नजर जाने के लिए, करबला से बाहर निकल गया, कुछ दूर शहर से बाहर चला था कि एक मरतबा रास्ते में एक सवार नमूदार हुआ, मेरे पास आन के खड़ा हो गया, कहता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नजर जा रहा हूँ। क्यों? कहा अब्बास की शिकायत करनी से। क्या किया है अब्बास ने? क्या अब्बास की शिकायत करने जा रहे? तब दुनिया को उस दरबार से मिलता है, मुझको नहीं मिल रहा है, मेरे पास माँ के अलावा कोई नहीं है। जाओ वापस चला जाओ, अच्छी बात नहीं है, नौकर मालिक की शिकायत नहीं करते, गुलाम आता की शिकायत नहीं करते। कहा नहीं जाऊंगा मैं, सबको मिलता हमें नहीं मिलेगा। आने वाले ने कहा वापस चला जा, तेरी माँ को शिफा मिल गई है। जैसे ही इतना कहा उसने, मैंने कहा आपके कहने पर चला जाऊं, मैं इतना रास्ता आ चुका हूँ, वापस जाने हुआ शिफा नहीं मिली तो इतनी दूर जो आया उसका क्या होगा, फिर उसको आना पड़ेगा। कहा मिलेंगे इतने करीम आका, कहा मिलेंगे इतने करीम मौला, जो आता भी करे और चाहने वालों की नाज बरदारी भी करे। एक मरतबा सवार ने कहा नहीं अभी नाता तुझको, मेरी बात पर आ, मेरे घोड़े पे सवार हो जा, मेरे साथ चल, मैं तुझे करबला ले चलता हूँ, अपनी आंखों से माँ को देख ले, अगर शिफा मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ इसी घोड़े से तुझको नजर पहुंचा दूंगा, जी खोल के जितना चाहे अब्बास की शिकायत कर ले।